मेरा पुलिस स्टेशन का धक्का भैया, जल्दी से मेरा फाइल लिखिए सर। FIR। ओ हवलदार साहब, आप अपने झांपे में रहिए। जेठालाल आप ही में रहिए प्लीज, अभी नहीं। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है? मेरा मकान मालिक ने पानी का कनेक्शन बंद कर दिया। क्यों, भाड़ा नहीं भरा क्या? जब नौकरी छूट गई तो भाड़ा कहाँ से भरेंगे? आज अभी नौकरी ढूंढने ही जाना है, लेकिन बिना नहाए कैसे जा सकते हैं? तो कितने टाइम से भाड़ा नहीं दिया? ज्यादा नहीं, 6 महीना, नहीं नहीं 5 महीना, 6वां महीना आज से शुरू हो रहा है। लिखिए लिखिए FIR लिखिए ना। मकान मालिक का नाम है संजय गुप्ता उर्फ गुड्डू भैया। देखो हम लोग FIR का रजिस्टर लेकर नहीं घूमते, उसके लिए तुमको पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा, लेकिन जाना मत उधर, ये तुम्हारी कंप्लेन वो लोग लिखेंगे नहीं। काहे नहीं लिखेंगे? तो तुम्हारी जो कंप्लेन है ना, बहुत सादी कंप्लेन है भाई, ऐसे छोटी छोटी बातों में पुलिस को परेशान नहीं करते। उनके पास बहुत बड़े बड़े काम होते है। जाओ जाओ, भाड़ा भर दो, मकान मालिक को पानी छोड़ देगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब। ओ भाई ओ, चलो भाई, अभी इंस्पेक्टर साहब बहुत बिजी है। ए रिक्शा, ए रिक्शा रोक, ए रिक्शा, ए। हाँ साहब। अरे लेके जाए इसको। हाँ। अरे साहब, 6 महीने से मकान का भाड़ा नहीं भरा, ये मुझे क्या भाड़ा देगा? देखा दोस्त, सब तेरा भाड़े का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो साहब आप अपने साथ पुलिस में रख लो ना। अरे हम लोग भी अभी नए नए भर्ती हुए हैं। अरे आप फिर झंपे से बाहर निकल आए। ओ भाई ओ, तुम अभी भी यही खड़े हो? मैं वापस घर जाओ और भाड़ा दो। क्या मुसीबत है? ओ, ओ, ओ क्या है, क्या बोल रहा है? अरे क्या बोल रहा है ये? शांत हो जाओ जेठा। जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक आप दोनों अंदर वेट करो। क्या ना, आते जाते हुए लोग भी आपको असली पुलिस वाला समझ रहे हैं। सही बात है। हाँ बराबर है, चलो आइए भैया। चलो। सेठ जी, आप लोग गए नहीं अभी तक? नहीं, वो जिस गाड़ी में हमको जाना है वो गाड़ी अभी तक आई नहीं है। ओ अच्छा। सेठ जी, ये गायत्री एंटरप्राइज को मैं कोटेशन भेज रहा हूँ, आप एक बार नजर मार दीजिए। बड़ा वाला ले लेते हैं। अरे यहाँ तो पुलिस की रेट पड़ी है। पक्का डुप्लीकेट माल बेचते होंगे ये लोग, इसीलिए पुलिस की रेट पड़ी है। अरे नहीं नहीं मैडम, यहाँ कोई डुप्लीकेट माल नहीं बिकता है, यहाँ सब ओरिजिनल माल बिकता है। हाँ, और यहाँ कोई रेट नहीं पड़ी है। तो ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? अरे सर, ये असली पुलिस नहीं है। क्या? ये नकली पुलिस है? नकली पुलिस बनना कानूनी जुर्म है, अभी असली पुलिस को बुलाता हूँ। अरे भाई साहब, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखिए क्या है, हम लोग जिधर रहते हैं ना, ये मेरे पड़ोसी है अय्यर भाई, हम लोग जिधर रहते हैं उधर वो है अपना वो वेशभूषा हरीफ भाई, उसमें हम लोग ये पुलिस बने, इसलिए ऐसे कपड़े पहने, हम पुलिस बन के इधर है। बोली बोली, क्या खरीदेंगे आप? अरे नहीं नहीं, हमें यहाँ से कुछ नहीं खरीदना है, हमें इस असली नकली के झंझट में पड़ना ही नहीं है। चलो चलो। अरे सुनिए, अरे सुनिए तो सर, भाई साहब। मैडम, जो डिलीवरी वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से बेचारा माधवी भाभी का तो नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ। चलो यारो, गद्दी आ रही है। अच्छा चलो भाई, चलो सेठ जी, अय्यर भाई, ऑल द बेस्ट, दुकान संभाल लेना, बराबर हाँ, चिंता हो बराबर है, हाँ हाँ भेज दो, हाँ चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप हवलदार है, पीछे रही है किधर है? बस बस जेठालाल पुलिस बन के क्यों घूम रहे?
हेलो आ गया। अरे सत श्री अकाल गोल्डी। ओ यारो ये है मेरा दोस्त गोल्डी। पाजी आप तो आ गए लेकिन लगता है गड्डी पीछे छूट गई। हाँ। यही है गड्डी। छोटी वो तनु में किया सी वो पुलिस जैसी गड्डी चाहिए तू की फुलतरू ले आया। ओ पाजी मैं क्या करता मेरी गड्डी पापा जी लेके निकल गए और दूसरी गड्डी मेरा दोस्त कल जलंधर ले गया तो मैंने सोचा पुलिस वाले बाइक पे भी तो जा सकते हैं ना। वो तो ठीक है पर कौन से एंगल से तुझे ये पुलिस वाली बाइक लग रही है। तो पाजी ये कौन सी असली पुलिस है। छोटे गुल्ली वो ठंड रख मेरे यारा पब्लिक प्लेस पे ऐसी बातें ऊंची आवाज में नहीं बोलते। अरे भाई आप लोगों को जो मिला है उसका स्वीकार करके फटाफट निकलो। हाँ हाँ ठीक अय्यर भाई आप चला ना मैं पीछे बैठूंगा। क्यों मैं क्यों। अरे आप हवलदार है मैं आपका सीनियर इंस्पेक्टर हूँ तो इंस्पेक्टर को पीछे बैठना पड़ेगा ना। ऐसा कितने बोला। पोपटलाल अय्यर भाई चला लो ना। हाँ प्लीज प्लीज चलो चलो टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ चलो 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 आजो जी आजो हेलमेट पहन लो। वाह टॉप क्लास। वेरी गुड वेरी गुड बराबर है। बस 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 ऑल द बेस्ट पापा ऑल द बेस्ट। चलो चलो पकड़ मैं पकड़ पकड़ ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ओके। हां चलो जान दो पारी मैं निकलता हूँ। वाइक रखा ओ चलो यारो अब हम सब मेरे गराज चलते। हाँ चलो चलो गंगा जी सत श्री अकाल बेटा ओके मैं तेरे फोन कर रहा हूँ। बैठो 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 बागा भाई ये जेठालाल साहब पुलिस वाले बन के क्यों घूम रहे हैं। क्या कुछ भी बोल रहा है जग्गू हमारे सेठ जी इतनी बड़ी दुकान के मालिक है वो पुलिस बन के क्यों घूमेंगे। तो अभी जो छोटी से स्कूटर पे गए उनके जैसे दिखने वाले वो कौन थे। वो हमारे सेठ जी के चचेरे भाई है जो हूबहू सेठ जी जैसे ही दिखते हैं। पक्का ए ए भाई ये सब चर्चा बंद कर और काम पे लग हमें भी बहुत काम है। जा ठीक। चाय वाले सब होशियार होते हैं पहचान गया सेठ जी को। ए भगवान हमारे सेठ जी की रक्षा करना उन्हें कोई पहचान ना पाए ऐसा करना। ओ यार भाई क्या कर रहे हैं आप क्या पार्टी सार्टी करके आए क्या। अरे जडेला क्या कुछ भी बोल रहा है। अरे क्या कुछ भी क्या अरे ठीक से चलाइए ये बाइक कितनी हिचकोला ले रही है। क्या ले रही है। अरे झूम रही है ऐसा लग रहा है बाइक पार्टी सार्टी करके आई है और झूम के डांस कर रही है। सीधा चलाइए। अरे मैं तो सीधा चलाने का ही ट्राई कर रहा हूँ नहीं तुम्हारा वजन का वजह से ये बाइक का बैलेंस जा रहा है। ए, अभी आप कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। ए, क्या किया ये भाई रोको। क्या हुआ सिग्नल तोड़ा आपने। अरे सर आप सॉरी 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 सर आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं। वो हमने सिग्नल तोड़ा इसलिए। अरे नहीं नहीं सर सॉरी मत बोलिए वो आपको कोई इमरजेंसी होगी इसलिए आप सिग्नल तोड़ के जा रहे हो। हाँ इमरजेंसी है थैंक यू। चलो भाई हवलदार चलो। एक मिनट फिर तुमने हमको सीढ़ी बजा के रोका क्यों। सर यहाँ आगे रास्ता बंद है काम चालू है आप उस रास्ते से जाइए। ओके थैंक यू इधर से इधर थैंक यू चलो 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 थैंक यू चलो हाँ चलो 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 चलो। अय्यर भाई इस बार तो बच गए अभी ध्यान से चलाना। ध्यान से चलाने के लिए तुमको पीछे चुपचाप बैठना पड़ेगा। तुम बोलेगा ना जटा तो बाइक डांस करेगा। हाँ ठीक है भाई अभी चलो ना। फिर बोला अभी जब तक सीसीटीवी का दुकान नहीं आ जाता ना तुम कुछ मत बोलो ना प्लीज। रोको अरे अभी क्या हुआ।
अरे उधर वो दुकान आ गई भाई, उसके सामने साइकिल जैसी बाइक लेके जाएंगे तो पक्का समझ जाएगा कि हम नकली पुलिस है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फिर क्या कर रहे हो यार भाई? क्या हुआ? बैठो बैठो इधर, पहले मैं उतरूंगा उसके बाद आप उतरना। अरे बाइक से उतरने में भी सीनियरिटी? अरे सेनोरिटा, ये सीनियर का कुछ नहीं है भाई, कोई भी बाइक चलाने वाले को आप पूछोगे ना तो बताएगा कि हम पहले जो पीछे बैठा होता है उसको उतरने देते हैं, उसके बाद हम चलाने वाले उतरते हैं। क्यों? क्योंकि ये चलाने वाले उतर जाता है ना तो जो पीछे बैठा है उसका बैलेंस जाता है, जैसे अभी मेरा गया वो पीछे बैठने वाला गिर सकता है। ठीक है ठीक है, उतरो। एक मिनट रुको। हाँ अभी उसको इधर पार्क करो। क्या कर रहे हो? हेलमेट मत निकालो भाई। अरे इधर कोई हमारा पहचान वाला मिल गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो दुकान के बाहर भी वो है ना वो सीसीटीवी कैमरा, तो उसमें भी हमारा चेहरा आ जाएगा ना। ए, निकाला हेलमेट तो, हेलमेट तो ऐसे ही चलो। हेलो चलो। अरे वाह, लोग हेलमेट भूल जाते हैं और ये लोग स्कूटर ही भूल गए। साइड से साइड से। अरे आप, तुम इसको जानते हैं? किसको? सॉरी सॉरी सर सॉरी, तुम इनको जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। तो फिर ऐसा क्यों बोला? अरे आप, अचानक इंस्पेक्टर साहब को देखा तो मेरे मुंह से डर के मारे निकल गया। अरे आप, डर के मारे? क्यों डर के मारे? क्यों, तुमने कोई गुनाह किया है? नहीं मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो फिर डरा क्यों? साहब पुलिस को देख के थोड़ा डर तो लगता ही है ना। अरे पुलिस अलाउंस कर करके थक गई बेचारी, क्या पुलिस जनता की दोस्त है? पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता है क्या मानती ही नहीं है, डरती ही जा रही है, डरती ही जा रही है। निकिरम एन्ना वेल्ला अनुसाल। हैं? आप अभी कुछ तमिल में बोले ना। हाँ आप महाराष्ट्र के हैं या तमिलनाडु के हैं? अरे महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उनका बचपन पूरा तमिलनाडु में बीता है। अच्छा अच्छा, और आपका बचपन शायद गुजरात में बीता होगा है ना? फुल फुल, मेरा फुल बचपन गुजरात में बीता है, कोई प्रॉब्लम है तुमको? हवलदार इसको उठाओ, चौकी पे लेके चलो। अरे लेकिन साहब मैंने किया क्या है? पुलिस को शक की नजर से देखा है, पुलिस को शक की नजर से देखना गुनाह है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं शक की नजर से नहीं देख रहा था। तो किस नजर से देख रहे थे? सर उसको जो भी नजर से देखना है उसको देखने दो, हम जिस काम के लिए आए वो काम करे। साहब बताइए, आपको कुछ रिपेयर करवाना है क्या? नहीं नहीं, हमको कुछ भी रिपेयर नहीं कराना है, एक हम एक क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हारे ये सीसीटीवी का फुटेज चेक करना है। हाँ सर आइए ना, आइए सर, आइए सर, आइए आइए सर, कैसे आइए सर, ये रहा। सर चाय पानी कुछ लेंगे आप? क्या बोला? चाय पानी, चाय पानी कुछ लेंगे आप? पुलिस को चाय पानी का पूछते हो? पुलिस को चाय पानी का पूछना गैर कानूनी मालूम नहीं है? अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो असली चाय और असली पानी के बारे में पूछ रहा था। नहीं ना, कुछ नहीं पीना है, तुम पासवर्ड डाल के चालू करो। जी साहब। साहब चालू हो गया। हवलदार पेन ड्राइव तो दो। पेन ड्राइव तो दीजिए।
चलो अभी आप घूम जाइए, पुलिस का काम देखना भी गैर कानूनी है। जी सर। से और सब रिकॉर्डिंग डिलीट मार दो, और अभी हम लोग आए ना वो भी रिकॉर्डिंग हो गया होगा, वो भी डिलीट मार दो। कर दिया डिलीट। खेल क्या रहे? अभी हम लोग जाएंगे वो भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा, सीसीटीवी कैमरा बंद कर दो। हो गया साहब? हाँ हो गया, हो गया। चलो हवलदार आजा। थैंक यू हवलदार। चलो एक मिनट। एक मिनट सर, देखिए ये कंप्यूटर अभी रिफ्रेश हो रहा है, तो 10 मिनट के बाद मतलब हम लोगों के जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा चालू करना। ओके ठीक है साहब। चलो चलिए सर। ये डंडा तो ले लो अपना। सॉरी सॉरी। चलो अभी चलो 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 चलो। आप लोग पुलिस का सारे सुन के भाग क्यों रहे थे? तो तब पुलिस के शायरान है भाई, तो भागना तो बनता ही है ना। पुलिस कभी भागती है, कभी सायरन बजाती है। जब भी कहीं कोई गुनाह हो रहा हो और पुलिस वो गुनहगार को पकड़ने के लिए जा रही हो, तभी ये सायरन बजती है। तो हम अपने पुलिस भाइयों की मदद करने के लिए भाग रहे थे, बराबर ना? हाँ बराबर बराबर बराबर। लेकिन ये पुलिस का सायरन तुम्हारे पास कहाँ से आया? साहब ये असली पुलिस का सायरन नहीं है। तो क्या नकली पुलिस का है? हाँ। अरे साहब ये फिल्म शूटिंग वालों का है। एकदम रियल है। अरे हाँ हवलदार चलो ना, पंचायत अभी रियल ने ये ने वो ने। चल ओके। जी साहब। पाटिल मैं किसी औरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यस सर। सिर्फ औरत ही नहीं, मेरे इलाके में मैं किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उस कैमर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ सर कामले ने बंदोबस्त की ड्यूटी संभाल ली। हाँ अब हम माधवी बहन के केस को बड़े शांति से छानबीन कर सकते हैं। वैसे पाटिल होली कब है? अभी टाइम है सर। वैसे आप क्यों पूछ रहे? मन रंगीन हो रहा है पाटिल। अरे होली रंगों का त्योहार है, रंगों के साथ खेलने में मजा आ जाता है। इस कैमर को छोड़ूंगा नहीं। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करता है दुकान में। अभी से राइट लेना भाई। अरे बाप रे, जिस दुकान पर जेठालाल और अय्यर नकली पुलिस वाले बनकर सीसीटीवी फुटेज लेने गए थे, अब उसी दुकान पर असली पुलिस यानी कि पांडे जी सीसीटीवी फुटेज लेने जाने वाले हैं। अब जरा सोचिए, जब पांडे जी वहां पहुंचेंगे और उन्हें नकली पुलिस के बारे में पता चलेगा तब वो क्या करेंगे? वैसे तो जेठालाल और अय्यर ने सीसीटीवी से बचने के लिए सावधानी बरती थी, लेकिन क्या उनकी बरती हुई सावधानी पांडे जी की आंखों में धूल झोंक पाएगी?
क्या वो बच जाएंगे या फिर फंस जाएंगे? अगर वो फंस गए तो समझ लीजिए कि ये मिशन फेल हो जाएगा। क्या लगता है, सीसीटीवी फुटेज से उस डिलीवरी बॉय तक पहुंचने का कोई क्लू मिलेगा? क्या क्लू मिलने से पहले पांडे जी जेठालाल और अय्यर को अरेस्ट कर लेंगे? क्या भिड़े को सच्चाई पता चल जाएगी? मैंने कहा था ना कि ये कहानी आगे बहुत ही रोमांचक होने वाली है। इस मिशन की फ्लाइट में बहुत सारा टर्बुलेंस होने वाला है, तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हंस हंस के लोट पोट हो गए आपके गिरने का डर है। भाई इस कहानी में आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।